गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, और इस समय कोलिजन के वीडियो बन रहे हैं। बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक है कोलिजन में वो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के बीच में कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है बच्चों। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के बीच में ऑब्लिक कोलिजन किस तरीके से होता है वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का कोलिजन का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, या हम कहें कि परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन भी हम इसको कह सकते हैं। बच्चों, मैंने जो अपना पिछला वीडियो आपको बनाया था कोलिजन का, उसमें क्या था कि परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन था। उसमें यह था कि दो बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक जो थी वो आमने सामने की टक्कर करती थी, यानी कि उनका जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मोशन दोनों एक ही था। यहां पर हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोलिजन के बाद जो है बॉडीज हमारी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, और यहीं से हमारा टू डायमेंशनल जो है कोलिजन बनता है, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने क्या किया है, कैरम बोर्ड कभी ना कभी खेला है। तो कैरम बोर्ड में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमको कट मारना पड़ता है, मतलब एक सर्टेन एंगल पे किसी गोटी को हिट करना पड़ता है, तभी हमारी गोटी पॉकेट होती है। और इसी चीज को हम कहते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। और यहां पर आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पे अगर मेरा वीडियो देखना है तो उसका आप नाम डालिए, साथ में डालिए आदर्श अग्रवाल मेरा नाम, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास एक बॉडी है इस तरीके से एम मास की, ठीक है, एम वन मास की, और वो जो है हमारा यू वन वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। और यहां पर एक दूसरी बॉडी इस तरीके से प्लेस है, ठीक है, जिसकी जो है वेलोसिटी यू टू एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका जो है मोशन इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसका भी मोशन एक्स डायरेक्शन में है, और यहां पर यू वन इज ग्रेटर देन यू टू है। थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करता है इससे, तो क्या होता है कि इस तरीके से यहां पे कोलाइड करता है। देखिए अभी भी इसकी जो वेलोसिटी थी वो यू वन डायरेक्शन में थी, लेकिन देखिए यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन हमारा चेंज हो गया, इस वजह से दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से जाएंगी, ये देखिए ये हमारा एम वन है और ये हमारा एम टू है, इस तरीके से देखिए। तो यहां से जो है इसका जो वेलोसिटी मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन V1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन V2 है, ये थीटा वन एंगल पे है, ये थीटा टू एंगल पे है। इस तरीके से हमारा कोलिजन के बाद वेलोसिटी और डायरेक्शन इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है, तो यहां पर कंसेप्ट भी हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का लगेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट क्या था कि हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट था और उसी कंसेप्ट को लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक चेंज ऐसा आता है कि यहां पर हमारा जो है मोमेंटम जो कंजर्व रहता है वो दो डायरेक्शन में रहता है, एक तो एक्स की डायरेक्शन में रहता है और दूसरा वाई की डायरेक्शन में रहता है। क्योंकि देखिये यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स की डायरेक्शन में है वी वन कॉस थीटा वन, और इसके डायरेक्शन में है वी टू कॉस थीटा टू, ठीक है, और इस डायरेक्शन में है v2 sin थीटा 2, और इस डायरेक्शन में हमारा मिलेगा v1 sin थीटा 1। बस यही चेंज है, और इसी के चेंज को अप्लाई करके हम सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके के कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट इन x डायरेक्शन। तो देखिए क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, यहां पर क्या होगा हमारा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन एक्स प्लस एम टू वी टू एक्स, ठीक है। यहां पर मैंने यू वन यू टू इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर
U1 और U2 x के डायरेक्शन में इनिशियली लिए, यहां पर हमको इसकी वैल्यूज रखनी होगी। तो देखते हैं क्या आता है हमारा, यह गया M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2, ये हमारा आएगा। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हमको मिल गई, इसको आप नोट कर लीजिए और बनाना भी सीख लीजिए। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो देखिए किस तरीके से अप्लीकेबल होता है। अब देखिए हम y के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, p इनिशियल इन y डायरेक्शन बराबर p फाइनल इन y डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, इनिशियली इसमें y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम हमारा होगा जीरो। और वहां पे देखिए क्या होता है, m1 v1 इन y डायरेक्शन हमारा क्या है, v1 sin थीटा 1 प्लस m2 और ये आएगा हमारा v2 m2। और देखिए इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है वो है v2 sin थीटा 2, लेकिन चूंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, y का नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे माइनस v2 sin थीटा 2। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा m1 v1 sin थीटा 1 बराबर m2 v2 sin थीटा। ये हमारा यहां से दूसरा रिलेशनशिप मिला। ठीक, अब देखिए एक कंसेप्ट इसमें और लगेगा और वो हमारा लगेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल का, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। टू डायमेंशनल में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली है, इसलिए ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। अब देखिए एनर्जी में तो हमारा जो है डायरेक्शन होता नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो एनर्जी आएगी हमारी वो आएगी 1/2 m1 u1 square प्लस 1/2 m2 u2 square बराबर 1/2 m1 v1 square प्लस 1/2 m2 v2 square। ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहां से हमारा 1/2 1/2 सब तरीके से कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और हमको ये यहाँ पे एक तीसरी रिलेशनशिप मिली। ठीक है बच्चों, अधिकतर इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल चार हैं, v1 थीटा 1 थीटा 2 v2, चार में से हमको एक चीज दी होगी या एक से ज्यादा भी दी होगी, बाकी तीन चीज हमें निकालनी होगी। हमारे पास तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें कहीं से भी हम लोग को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी है। बस हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कंसेप्ट को अप्लाई करने के टाइम में और कैलकुलेशन सही करनी है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगती है, बस इतना ही काम इसमें है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके या रिवर्स करके फिर से कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब मैं डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, सिंपल सा है, उसमें कुछ है नहीं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा एक बॉडी है जिसका मास m है और वो हमारा जो है इनिशियली x डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यहां पर एक हमारा दूसरा मास है वो रेस्ट पे रखा हुआ है यहां पे इस तरीके से, और उसका भी मास m है। इनके बीच में हमारा टू डायमेंशनल या ऑब्लिक कोलिजन होता है और दोनों मास जो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन जो है यहां से 30 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल पे चले जाते हैं और इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। तो फाइंड आउट v1 एंड v2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यूज हमारी क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, इसकी वैल्यूज क्या होगी, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, वो भी पहले एक्स डायरेक्शन में और फिर वाई डायरेक्शन में। तो हम यहां क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में स्पीड देख लेते हैं दोनों बॉडीज की क्या है। तो देखिए क्या है, v1 cos 30 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v1 sin 30। ये देखिए हो जाएगा v2 cos 30 आ जाएगा इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारा v2 sin 30। ये आ गया, देखिए हमने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हमने रिजोल्यूशन उसका कर लिया एक्स और वाई के डायरेक्शन में। अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, हमारा एक्स डायरेक्शन में हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, m1 u1 x प्लस m2
यू टू एक्स बराबर एम वन वी वन एक्स प्लस एम टू वी टू एक्स, ये आ गया हमारा। देखिए इसमें जो है एम वन का मास है एम और u1 x यानी x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी है 9 प्लस m2 m है u2 x ये रेस्ट पे है इसलिए जीरो हो जाएगा बराबर मास हमारा m है और v1 x हो गया हमारा v1 cos 30 प्लस ये आ गया m और ये आ गया हमारा v2 cos 30, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो देखिए m से m कट गया, ये आया 9 इज इक्वल टू v1 cos 30, v1 cos 30 प्लस v2 cos 30, ये आ गया ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, v1 प्लस v2 ये आया cos 30, हमने ले लिया कॉमन ठीक है, ये आ गया 9। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी रूट 3/2, यानी कि v1 प्लस v2 जो आ गया हमारा वो आ गया 18/√3, यानी कि v1 प्लस v2 आ गया हमारा 6√3 ठीक है, 6√3 आ गया। इसको हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं, v1 प्लस v2 इक्वल टू 6√3 ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही कंसेप्ट लगाते हैं और वो कंसेप्ट लगाते हैं हम y डायरेक्शन में ठीक, y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। y डायरेक्शन देखिए क्या होता है, m1 u1 y प्लस m2 u2 y बराबर m1 v1 y प्लस m2 v2 y, ये आएगा हमारा। वैल्यूज रखते हैं तो देखिए m1 की वैल्यू है m, u1 y हमारा है 0 प्लस m2 की वैल्यू है m और u2 y है हमारा 0, m1 की वैल्यू है m, v1 y है हमारा v1 sin 30, v1 sin 30 प्लस m2 भी m है और ये जो है हमारा v2 sin 30 है लेकिन नेगेटिव y डायरेक्शन में है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे माइनस v2 sin 30, ये हमारा इस तरीके से आ गया ठीक है। देखिए ये हो गया 0 बराबर एम वी वन साइन 30 ठीक है माइनस एम वी टू साइन 30, ये आ गया यानी कि एम वी वन साइन 30 इक्वल टू एम वी टू साइन 30, ये आ गया। देखिए एम से एम कट गया, साइन 30 से साइन 30 कट गया, ये आ गया वी वन इक्वल टू वी टू, ये आ गया हमारे वैल्यू ठीक है। इससे पहले जो हमको रिलेशनशिप मिली थी वो मिली थी ये, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, तो v1 प्लस v1 इज इक्वल टू 6√3, तो 2v1 बराबर आ गया 6√3 यानी कि v1 की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर पर सेकंड ठीक है। अब देखिए v1 और v2 बराबर है यानी कि v2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 3√3 मीटर पर सेकंड और ये हो गया इसका बच्चों आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें बच्चों। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है मास m की और वो इस डायरेक्शन में हमारी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां पर एक दूसरी बॉडी रखी है उसका भी मास m है और ये है हमारी रेस्ट पे ठीक है। ये क्या करती है, ऑब्लिकली कोलिजन होता है इसका, परफेक्टली इलास्टिक, और कोलिजन के बाद ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है ठीक है। इसका एंगल यहां से बनता है थीटा वन और इसका एंगल यहां से बनता है थीटा टू और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, हमें थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं किस तरीके से ये निकालती है बच्चों। पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया था उसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल का कंसेप्ट उसमें नहीं यूज हुआ था, इसमें यहां पर लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है वही लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये कंसेप्ट हम लगा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो होता नहीं है इसमें, तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square बराबर 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखिए 1/2 1/2 हमारा सब जगह से कट जा रहा है, इसको मार देते हैं हटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या, m into 5 square plus m into, ये हमारा रेस्ट पे जीरो हो जाएगा। और देखिए ये हमारा क्या है, ये अभी इसकी वैल्यू m1 की वैल्यू m है और v1 की वैल्यू हमको दे रखी 3 square plus, इसकी वैल्यू m है और इसकी v2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हम यहां से निकालेंगे। तो देखिए m से m कट गया, हमारे पास क्या आया 25 = 9 plus v2 square, यानी कि v2 square आ गया हमारा 16, यानी कि v2 की वैल्यू आ गई हमारी 4 meter per second। इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं, वो हो गया v2 = 4 meter per second। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा v2 हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है कि x और y के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाना है और उससे हमें थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकल आएगी तो इनका सम भी निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos θ1 इसकी वैल्यू हो गई और v2 आया है हमारा 4, तो इसका जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमको मिलेगा 4 cos θ2। इस डायरेक्शन में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 3 sin θ1 और इस डायरेक्शन में मिलेगा हमको 4 sin θ2। ये इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो हम कैलकुलेशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो ये होगी m1 u1 x plus m2 u2 x बराबर m1 v1 x plus m2 v2 x, यही आएगा हमारा। तो देखिए m1 है हमारा m, u1 x है u यानी कि 5, plus m2 है m और u2 x है 0 क्योंकि ये बॉडी हमारी रेस्ट पे है। m1 हो गया m और v1 x ये देखिए कितना है, वो है 3 cos θ1 plus m2 है m और v2 x है हमारा 4 cos θ2, ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m से m हमारा जा रहा है कट, इसको हम काट देते हैं। ये हमारा 5 = 3 cos θ1 plus 4 cos θ2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं साइड में। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करी, उसको हम निकाल लेते लिख लेते हैं यहाँ पे 3 cos θ1 plus 4 cos θ2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, y के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो देखिए क्या होगा, m1 u1 y plus m2 u2 y बराबर m1 v1 y plus m2 v2 y, ये आ जाएगा। तो देखिए m1 है हमारा m, u1 y हमारा 0 क्योंकि इसका वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो ये हो गया 0 प्लस m2, ये भी 0 है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। m1 हमारा m है और v1 y हमारा है ये 3 sin θ1 प्लस m2 है m और v2 y है हमारा ये 4 sin θ2, लेकिन डायरेक्शन इसका नेगेटिव है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पे हम लिखेंगे -4 sin θ2, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे बच्चों जो हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप हमको मिलेगा, m 3m sin θ1 बराबर 4m sin θ2। ठीक है, तो देखिए ये m से m कट गया तो हमारे पास आया 3 sin θ1 बराबर 4 sin θ2। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि आया हमारा 3 sin θ1 बराबर 4 sin θ2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए बच्चों हमको निकालना है θ1 plus θ2। यहां तक जो मैंने अब तक कराया है यहां तक लग रही थी फिजिक्स,
फिजिक्स का कंसेप्ट लगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और उसके बाद जो अब लगेगा वो लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, क्योंकि हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू, देखते हैं किस तरीके से निकलेगी। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम लिख लेते हैं थ्री कॉस थीटा वन इक्वल टू फाइव माइनस फोर कॉस थीटा टू। ये हमारा इस तरीके से इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे ये आ गया। इसको हम डाल लेते हैं वन और इसको डाल लेते हैं टू। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री कॉस थीटा वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री साइन थीटा वन का होल स्क्वायर बराबर फाइव माइनस फोर कॉस थीटा टू का स्क्वायर प्लस फोर साइन थीटा टू का होल स्क्वायर। ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा इसके बाद वो देखते हैं। ये आ गया नाइन कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस नाइन साइन स्क्वायर थीटा वन बराबर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी कॉस थीटा टू प्लस सिक्सटीन कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा टू। ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। नाइन हम यहां से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बराबर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी कॉस थीटा टू, ठीक है। और प्लस सिक्सटीन यहां कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू। ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा नाइन, देखिए ये हो जाएगा वन, और ये आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी, यहां फोर्टी होगा कॉस थीटा टू प्लस सिक्सटीन, ये आ गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा फोर्टी कॉस थीटा टू इक्वल टू थर्टी टू, यानी कि कॉस थीटा टू इक्वल टू आ जाएगा हमारा फोर बाई फाइव, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिल गया, इसको हम यहां नोट कर लेते हैं कि कॉस थीटा टू इक्वल टू आ गया फोर बाई फाइव, ठीक है। कॉस थीटा टू इक्वल टू आ गया फोर बाई फाइव। अब हम इसके हेल्प से निकालेंगे कॉस थीटा वन, इसके हेल्प से निकालेंगे कॉस थीटा वन। कॉस थीटा टू की ये वैल्यू इस रिलेशनशिप में हम रखेंगे और फिर देखिए हमारा कॉस थीटा वन आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, थ्री कॉस थीटा वन बराबर फाइव माइनस फोर कॉस थीटा टू, ये हमने इस तरीके से दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाइव माइनस फोर कॉस थीटा टू की वैल्यू है फोर बाई फाइव, और यह ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फाइव, और यह आ गया थ्री कॉस थीटा वन, ठीक है। ये आ गया नाइन अपॉन फाइव, तो ये आ गया थ्री कॉस थीटा वन, ये कट गया इसे तो आ गया थ्री, यानी कि कॉस थीटा वन इक्वल टू आ गया हमारा थ्री बाई फाइव। इसको हम यहां पे नोट कर देते हैं, ये आ गया कॉस थीटा वन इक्वल टू थ्री बाई फाइव, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वन एंड कॉस थीटा टू की वैल्यू से हम निकालेंगे साइन थीटा वन एंड साइन थीटा टू, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसका यूज करके हम साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा वन आ जाएगा फोर बाई फाइव और साइन थीटा टू आ जाएगा हमारा थ्री बाई फाइव। ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा जब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब बच्चों हमको निकालना है थीटा वन प्लस थीटा टू। अब देखिए अब किस तरीके से निकलेगा। बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन पढ़ी है साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ए की जगह थीटा वन रख देते हैं और बी की जगह थीटा टू रख देते हैं। तो देखिए हमारे क्या हो जाएगी, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इज टू साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, ये हमारा आ गया। तो
तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा वन, साइन थीटा वन आ गया 4/5, कॉस थीटा टू आ गया, कॉस थीटा टू की वैल्यू आ रही है 4/5 प्लस कॉस थीटा वन हमारा आ रहा है 3/5 और साइन थीटा टू हमारा रहा है 3/5। ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आ रही 16/25 प्लस ये आ रहा है 9/25, ठीक है 9/25, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/25, ये आ गया हमारा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो देखिए ये हमारा आ गया साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू वन, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू आ गया हमारा 90 डिग्री, और यही होगा इसका आंसर, ठीक है यही होगा इसका आंसर। बच्चों क्या होगा कि यहां पर थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू, जो थीटा वन प्लस थीटा टू हमारा आएगा 90, ठीक। बच्चों यहां पर क्या है, भले हमने यहां पर कैलकुलेशन करी पूरी, लेकिन यहां पर जो है, जो हमने कंसेप्ट लगाया, वो हमने कंसेप्ट लगाया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक एम मास की बॉडी है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट है, और यहां पे दूसरी बॉडी है उसका मास भी एम है, और ये है हमारी रेस्ट पे, ठीक है। दोनों के बीच में जो है ऑब्लिक कोलिजन होता है, टू डायमेंशनल कोलिजन होता है, और ये कोलिजन के बाद जो है अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे चली जाती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और यहां से इसका एंगल बन रहा है 45 और इसका एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। इसका एंगल बन रहा है हमारा थीटा, तो हमको फाइंड आउट करना है v1 v2 एंड थीटा हमारा क्या क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है किस तरीके से होगा। बच्चों इसमें भी वही कंसेप्ट लगना है जो अभी तक मैं आपको बताता आया हूं कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका वेलोसिटी हमने v2 मान ली है, इसकी v1 मान ली है, तो चलिए यहां पर हम वेलोसिटी का रिजोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा v1 cos थीटा और v2 cos 45, ये हो गया। वाई डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी v2 sin 45 और यहां पे होगी हमारी v1 साइन थीटा, ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा m1 u1 x प्लस m2 u2 x बराबर m1 v1 x प्लस m2 v2 x, ये आ गया, ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास m है, u1x हमारा है v0 प्लस ये हमारा m है, u2x ये रेस्ट पे है तो हो जाएगा 0 बराबर m1 हमारा m है, v1x हमारा है v1 cos थीटा प्लस ये हमारा m है और v2x है हमारा v2 cos 45, ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले m से m कट जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो आएगा v0 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 इंटू 1/√2 और √2, और इस तरीके से ये जो आएगा हमारा, ये हमारा आ गया v0 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2/√2, ठीक है। इसको हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं, v0 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2/√2, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आई है, इसको हमने नोट कर लिया। अब देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे y डायरेक्शन में, ठीक है y डायरेक्शन में लगाएंगे, तो देखते हैं उसमें क्या आता है। देखिए हमारा है m1 u1y प्लस m2 u2y बराबर m1 v1y प्लस m2 v2y, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो m1 जो होगा हमारा वो m होगा, u1y देखिए हमारे पास 0 है, m2 m होगा, ये हमारा रेस्ट पे है तो 0 होगा,
M1 जो होगा वो हमारा M होगा, ठीक है। और V1Y देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है V1 साइन थीटा, ठीक है, प्लस M2 M है, ठीक। और V2Y जो है हमारा वो होगा माइनस V2 साइन 45, ये आ गया इस तरीके से, ठीक। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि तो इसका डायरेक्शन निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। अब देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा M1 V1 साइन थीटा इक्वल टू M V2 इंटू 1/√2, ठीक है। देखिए ये हमारा इस तरीके से कट गया, ये आ गया हमारा V1 साइन थीटा इक्वल टू V2/√2, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक और रिलेशनशिप आ गया, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको यदि हम कायदे से और लिखें तो V2 इक्वल टू √2 V1 साइन थीटा, ये आ रहा है, हम इसको यहां लिख लेते हैं कि V2 इक्वल टू √2 V1 साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरी रिलेशनशिप आ गई। अब बच्चों टू डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक कंसेप्ट और लगता है और वो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमारा होता है, ठीक है। इसको हम लगाएंगे तो देखिए क्या हुआ, 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर प्लस 1 = 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर, ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब देखिए 1/2 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको हम देते हैं हटा, ठीक, हटा दिया हमने। अब बचा क्या, M U स्क्वायर प्लस M × 0 स्क्वायर बराबर M × V स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस M × V2 स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। देखिए M से सारे M कट गए, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बात बची वो बची V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप और आ गई, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हम V1, V2 और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए काम करते हैं कि V2 की वैल्यू 2V sin स्क्वायर थीटा या √2 V1 sin थीटा, इसको हम यहां रख देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू आ गई √2 V1 साइन थीटा या इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारा V0, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, ये V1 स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से आ गया। हमने यहां से कॉमन ले लिया V1 स्क्वायर तो आ गया 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई वैल्यू, ये आ गया V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम यहां नोट कर लेते हैं और ये हमारा आ गया V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आया एक और रिलेशन। अब देखिए इन सारे रिलेशंस को यूज करके हम जो है निकालेंगे थीटा V1 V2 की वैल्यू और वो बस थोड़ी ही देर में अब आने वाली है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, इन दोनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखिए हो गया V0 इक्वल टू V1 cos थीटा प्लस V2 डिवाइडेड बाई √2, V2 की ये वैल्यू हो गई तो आ गया हमारा V1 cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू √2 V1 साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी, देखिए √2 से √2 कट गया, हमारे पास क्या आया V1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी V0 की, ठीक है, V0 की वैल्यू आ गई। अब देखिए V0 की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगली रिलेशनशिप जो वाली है वो है V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर और 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास आ गया V1 स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए ये से ये हमारा गया कट, ठीक है। इसको हम जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया। देखिए ये पोर्शन होता है वन, तो हम लिखेंगे वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये गया हमारे पास से कट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा टू से टू कट जाएगा और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन यानी थीटा इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया। अब बच्चों हमें निकालनी है V1 और V2 की वैल्यू। अब बच्चों हमें निकालनी है V1 और V2 की वैल्यू और वो देखते हैं कि अब किस तरीके से निकलेगा V1 और V2 हमारा किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये रिलेशनशिप है, एक ये रिलेशनशिप है, एक ये रिलेशनशिप है। अब इसमें यूज करके हम निकालते हैं V1, तो इसको यूज करते हैं बच्चों क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है V1। तो ये आ गया हमारे पास V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर और 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया V1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन 45 का स्क्वायर और ये इसको ब्रैकेट में हमने कर दिया। तो देखिए आ गया V1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। ये आया V1 स्क्वायर 1 प्लस 1 आ जाएगा ये, और ये आ गया V1 स्क्वायर इंटू 2 और ये आ गया V0 स्क्वायर, यानी कि V1 स्क्वायर आ गया हमारा V0 स्क्वायर बाई 2 और V1 की वैल्यू आ गई V0 बाई रूट 2। इसको भी हम यहां लिख देते हैं, V1 की वैल्यू आ गई हमारी V0 बाई रूट 2। अब हमें निकालना है V2। अब हमें निकालना है V2 और देखते हैं कि V2 की वैल्यू कितनी आती है। तो V2 के लिए रिलेशनशिप हमारा ये है, तो आ गया V2 इज इक्वल टू रूट 2 V1 साइन थीटा, ठीक है। बच्चों देखिए रूट 2 हमने ऐसे लिखा, V1 की वैल्यू आई है V0 बाई रूट 2 और साइन थीटा आया हमारा साइन 45। तो ये देखिए ये हमारे पास ऐसे कट गया, तो V0 इंटू 1 बाई रूट 2, तो V2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास V0 बाई रूट 2। ये हमारी तीसरी वैल्यू निकल आई, यहाँ पे हम इसकी भी वैल्यू रख देंगे V0 बाई रूट 2, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन खत्म हुआ। बच्चों तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीनों यूनिक क्वेश्चन थे लेकिन कंसेप्ट सब में एक ही लगा था। तो बच्चों ये आज का मेरा वीडियो खत्म होता है परफेक्टली इलास्टिक टू डायमेंशन के कोलिजन का, या कहें कि परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन का। बच्चों अब इसके बाद में जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इन इलास्टिक कोलिजन का। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।